हम योग के साधक हैं तो हमें आयुर्वेद की जरूरत क्या है? तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, आयुर्वेद का काम क्या है? तो यहाँ आयुर्वेद के ऋषि ने, महर्षि धन्वंतरी ने लिखा, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरम विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो सदैव स्वस्थ बना रहे, रोगी ना हो, और जो रोगी व्यक्ति है वो रोगों से मुक्त हो जाए। ये दो उद्देश्य हैं आयुर्वेद के। तो आयुर्वेद के मूल रूप से दो स्तंभ हुए, दो उद्देश्य हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति है स्वस्थ बना रहे, रोगी व्यक्ति है वो स्वस्थ रोग से मुक्त हो जाए। इसमें योग की क्रियाओं के साथ साथ आयुर्वेद में कुछ वनस्पतियों और औषधियों का वर्णन भी आता है। अब सबसे पहला प्रश्न है, अन्नम वही प्रजा जायन्ते, अन्नम वही प्रजा प्रजायन्ते, यानी अन्न से सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। जितने प्राणियों का जन्म होता है वो सब अन्न के कारण है, और अन्न से ही वो जीवित रहते हैं। अन्नम वही जीवन्ति, अन्न से ही वो जीवित रहते हैं। अब तीसरा शब्द आता है, अन्नम वही औषधि, अन्न ही औषधि है। लेकिन जब हम अन्न का सही उपयोग करते हैं, सही मात्रा में करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो वह हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, और इसके सेवन में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हुई तो हम रोगी हो जाते। तो सीधी सीधी सी बात हो गई कि हमें रोगों से बचना है। अब रोगों से बचने के लिए सामान्य रूप से हम बिना चिकित्सा के क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग आज थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करें। अब रोगों का कारण क्या है, हम रोगी होते ही क्यों हैं? जायन्ते विविधा रोगा प्रयासो मल संचयात्। सभी रोगों का जन्म एकमात्र शरीर में मलों के संचित होने से होता है। सर्वेषां मेव रोगाणां निदानं कुपितः मलः। जो शरीर में स्टोर हो चुका है मल, संचित हो गया है, उस मल को किसी भी तरह से शरीर से बाहर निकाल देना उसका उपचार, और बाहर निकालने के लिए हम जिन जिन चीजों का सेवन करते हैं वो सब आयुर्वेद कहलाता है। योग और आयुर्वेद का आपस में बहुत निकटतम संबंध है। तो रोगी होने का एक कारण हुआ, रोगी होने का पहला कारण क्या हुआ, अन्न का सही सेवन न करना, शरीर में मलों का संचित होना, मलों का निष्कासन उसका उपचार है, और मलों का संचित होना रोग। अब इसमें क्या होता है, कारण में निवारण। रोग जिस कारण से हो रहा है, जिस भोजन की वजह से हो रहा है, जिस लिविंग स्टाइल की वजह से हो रहा है, उसे ठीक कर दो तो उपचार हो गया। भगवत गीता के 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने लिखा कि योगी के लिए युक्त आहार व्याहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों की निवृत्ति वाले योग को सिद्ध करना है तो हमें क्या करना है, उचित भोजन, आहार और विहार। जैसा आपका लिविंग स्टाइल है, जो आपकी वर्किंग लाइफ है, उसी के अनुसार भोजन, युक्त चेष्टा से कर्मसु, और अपने कर्म जितनी आपकी एनर्जी है उतना ही काम करना, और जितना काम किया है उतने फल से संतुष्ट होना। तो ये युक्त स्वप्नाभ बोधस्य योगो भवति दुःखः, दुखों की निवृत्ति करने वाला योग इसी से शांत हो। तो ये हमारा, अब रोग के कारण कुछ और भी हैं, रोग के कुछ और भी कारण। एक कारण है
स्ट्रेस, अंग्रेजी की एक कहावत है स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, यानी जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, तनावपूर्ण जीवन में रहता है, वह धीरे 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 रोगग्रस्त होता जाता है। पहले वो हाइपोटेंशन में जाता है, हाइपोटेंशन से हाई बीपी में, फिर हार्ट में, और फिर उसका सारा नर्वस सिस्टम अपसेट हो जाता है। अब रोग का एक और बड़ा कारण है और वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज मदर ऑफ डिजीज, सभी रोगों की जननी कब्ज। आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, ओम जी सर। जी सर जी, मैं बिल्कुल सरल और संक्षिप्त, जितना आपको चाहिए उतना ही, उससे ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अब इसमें इन्होंने कहा धी धृति, एक कहा प्रज्ञा अपराध ही सर्व रोगाणाम मूल कारण, प्रज्ञा अपराध सभी रोगों का मूल कारण है। सारे रोगों का कारण क्या है? प्रज्ञा अपराध। अब आप कहेंगे ये प्रज्ञा क्या है, तो प्रज्ञा में इन्होंने तीन चीज बताई। आयुर्वेद ने महर्षि चरक धनवंतरी तमाम ऋषियों ने आयुर्वेद पर लिखा, तो उन्होंने कहा धी धृति स्मृति विभ्रमा कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधो ते विद्या सर्व दोष प्रकोपणम। यानी जो लोग धी धृति, धी कहते हैं धैर्य, भोजन देखा टूट पड़े, भोजन देखा भूख नहीं थी पर फिर भी चलो अब आपने बनाई लिया तो खा लेते हैं, चलो थोड़ा सा मन कर रहा थोड़ा सा खा लेते, कुछ लोग आपने देखा होगा थोड़ा सा खाने बैठते हैं फिर कहते हैं और ले आओ, चलो और दे ही दो, तो ये धैर्य न रखना। धृति कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि से ये विचार ही नहीं किया कि भोजन मेरे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, सर्दी के दिन कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खा ली, गला खराब, और वहीं से फिर कोल्ड हुआ, कोल्ड से नजला, जुकाम, खांसी, यानी एक दिन का आइसक्रीम आपको 15 दिन तक कर सकता, यानी एक सप्ताह तो करता ही है। तो धी धृति स्मृति, और याद रखना क्या चीज मेरे लिए उपयोगी है, बुद्धि का प्रयोग करना और मेमोरी भी, यदि जो चीज मुझे ठीक नहीं है मेरे रोग के अनुसार, मेरी शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार, मौसम के अनुसार, उसका सेवन नहीं करना, और जो उपयोगी है उसे करना। तो भोजन में क्या क्या चीज याद रखनी, धी धृति स्मृति, धैर्य, बुद्धि और मेमोरी स्मृति, इन तीन चीजों का प्रयोग करते हुए जो भोजन करते हैं वो कभी रोगी नहीं होते, और जो इन तीन चीजों का प्रयोग नहीं करते वो कभी स्वस्थ भी नहीं रहते, वो तो बीमार होते ही रहते हैं। क्यों भाई जी, ठीक है? राहुल जी समझ रहे हैं? गुड। तो प्रकाश जी नोट कर रहे हैं कुछ? कुछ नोट करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो बहन यूट्यूब का लिंक बनाती है उसमें से बाद में देख के आराम से नोट करिए। हाँ सर, नोट। बहुत बढ़िया तरीका है। हाँ, बहुत, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि अभी सुन लें फिर दोबारा इसे सुने लिंक को, और लिंक पर से नोट करते चले जाएं, तो ये बहुत अच्छा तरीका। चलिए खैर, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो धी धृति स्मृति विभ्रम कर्म कुरते यशवम प्रज्ञा अपराध प्रज्ञा अपराधम तम विद्या सर्व दोष प्रकोपणम। ये तीन चीज है। अब एक शब्द यहां आयुर्वेद में बहुत महत्व रखता है जिसका नाम है पथ्य और अपथ्य। इसको यहां कहा आयुर्वेद के डॉक्टर जिसको कहते हैं परहेज, किस किस रोग में और किस किस प्रवृत्ति में, किस किस सीजन में, किन किन चीजों से बचना, इसको कहते हैं परहेज। तो इन्होंने कहा बिना भेषज व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्य विहीनश्च भेषजा नाम सकैरपि। ये कहते हैं जो लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार भोजन करते हैं, समय पर भोजन करते हैं, अपने अनुकूल भोजन करते हैं, पथ्य का अर्थ है अनुकूल, तो वो कभी रोगी नहीं होते, और जो पथ्य का प्रयोग नहीं करते, अपथ्य का सेवन करते हैं, उनके लिए औषधियों से लाभ क्या।
औषधियां बदलते रहो, खाते रहो, औषधियों से ठीक होने वाले नहीं है, इसलिए पथ्य और अपथ्य में भेद करना। तो ये एक आयुर्वेद की भूमिका बनी। अब इसमें क्या है, हम सभी का एक जन्मसिद्ध अधिकार है स्वस्थ रहना। हमारे एक फंडामेंटल राइट में आता है कि हम बीमारी से बचें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहना हमारा अधिकार है, किंतु स्वस्थ रहने के लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अब इसमें स्वास्थ्य के तीन आधारभूत स्तंभ हैं और तीन उपाधार हैं। पहले आधार हैं वात, पित्त और कफ, ये तीन स्तंभ हैं और तीन उपस्तंभ हैं, और वो हैं आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इन तीन चीजों के सेवन से, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य और वात, पित्त और कफ, इन दो चीजों में की जानकारी हो जाए तो हम बीमारियों से बच भी सकते हैं और बीमार होने पर उपचार भी कर सकते हैं। दोनों चीज हमारे सामने, और वो हैं आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये महर्षि चरक का कथन है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य इति त्रियोपस्तंभा, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। स्वामी रामदेव जी महाराज ने इन तीन को चार कर दिया है, आहार, निद्रा, संयम और श्रम। स्वस्थ रहने के लिए चार चीज चाहिए, आहार भी चाहिए, नींद रिलैक्सेशन भी चाहिए, ब्रह्मचर्य संयम पूर्ण जीवन भी चाहिए, वाणी का संयम, भोजन का संयम, वासनाओं में संयम। तो संयम और श्रम, जितना भोजन करते हो उतना पुरुषार्थ भी करो, और पुरुषार्थ नहीं करते तो व्यायाम करो, वॉकिंग करो, जैसा जो जिसको संभव हो जो कर पाए। तो ये सारा का सारा बन जाता है आयुर्वेद। ये सब विषय किसका होगा, आयुर्वेद। अब आयुर्वेद में जो तीन उप स्तंभ में, पहले हम उन पर बात करते हैं। इसको कहा आहार। अब हमारा भोजन कैसा हो, तो भोजन में महर्षि चरक लिखते हैं, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। यानी किसी का डाइट चार्ट बनाए हैं तो 10 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ओम, आवाज अटक के आ रही, समझ आप आवाज बराबर तो इंटरनेट की, इंटरनेट का आपका प्रॉब्लम होगा, मेरा इंटरनेट भी ठीक है, पूरा आ रहा है, और मैंने ईयरफोन भी लगाए हुए हैं, ठीक चल रहा है। ओ तो आगे चलते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो अब आहार की बात कर रहे हैं, भोजन। भोजन में तीन, मूल रूप से तीन नियमों का पालन, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। भोजन कैसा हो, भोजन करने से पूर्व लाभकारी भोजन, भोजन कैसा हो, लाभकारी। जैसे एसिडिटी के पेशेंट हैं तो ठंडे और मीठे, और कफ के पेशेंट हैं तो हल्के गर्म, ताजे। तो इसी तरीके से हितभुक, मितभुक, भूख लगने पर भोजन, ऋतभुक, मौसम के अनुरूप भोजन। जैसा मौसम है उस मौसम के अनुसार जो जो वस्तु हैं, जो जो फल और सब्जियां मार्केट में आ रहे हैं, जिस समय जिनका सीजन है उन्हीं का उपयोग करें, इसको कहते हैं हम ऋतभुक। भोजन कैसा हो, हितकारी हो, दूसरा भूख लगने पर हो, जितनी भूख है उतना हो, और तीसरा शब्द आया मौसम के अनुरूप। तो हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। अब इसमें दो चीज और जोड़ दीजिए, पथ्य और अपथ्य।
जैसे पथ्य और अपथ्य। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहूं कि एक 20 वर्ष तक का जो युवक, जो 20 वर्ष तक का नवयुवक ग्रोथ कर रहा है, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, उसके लिए सारा एनर्जेटिक और पौष्टिक भोजन चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति यदि 50 साल, 40 साल से ऊपर हो गया तो उसको वह पौष्टिक भोजन नहीं चाहिए, उसको सुपाच्य भोजन चाहिए। वृद्ध को कैसा चाहिए? आसानी से पचने वाला सुपाच्य भोजन। महिलाएं, महिलाओं के भोजन में आयरन और कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में बहनों का कैल्शियम आयरन बहुत लॉस होता है, तो भोजन में उसकी मात्रा पूरी हो। अब कैल्शियम युक्त भोजन करना है तो पनीर, दही, ड्राई फ्रूट में मखाना। अब ये हमें देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ मिलेगी। विटामिन सी। अब इसी तरह से जो एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भोजन है वही आफ्टर 40 ईयर वाली बहन के लिए वर्जित हो जाएगा। आफ्टर डिलीवरी वो भोजन नहीं होगा जो प्रेग्नेंट के लिए होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में माता को बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी डबल भोजन चाहिए। कैल्शियम ज्यादा चाहिए, आयरन ज्यादा चाहिए, विटामिन चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। तो इसी तरीके से भोजन कैसा हो, हितवुक, मितवुक, ऋतवुक, और फिर पथ्य, जो जिसे पचा सके। अपथ्य, पथ्य और अपथ्य में कुछ चीजें और शामिल होंगी, आगे करूंगा। फिर एक आता है सम भोजन, किस भोजन के साथ क्या करें। जैसे हम घिया का और सीताफल का रायता बना के खाते हैं, बथुए का खाते हैं, तो वो पथ्य है। लेकिन वहीं हम खीरे का रायता बनाते हैं तो वो अपथ्य है। खीरे का रायता खीरा दही के साथ वर्जित है। हम सब्जियों के साथ दोपहर के भोजन में छाछ लेते हैं, वो पथ्य है, किंतु उड़द की दाल के साथ छाछ अपथ्य है। उड़द की दाल के साथ में छाछ नहीं लेना। मूली भोजन के साथ सलाद में लेना पथ्य है, लेकिन छाछ और मूली दोनों एक साथ लेना अपथ्य है। केला दूध के साथ, केला और सेब, आम, दूध के साथ पथ्य है तो दही के साथ अपथ्य है। तो एक सम भोजन हुए, एक विषम भोजन हुए। ऐसे ही दूध के साथ में खट्टा, नमक वाला और मसाले वाले, नमक मसाले और खटाई दूध के साथ वर्जित है। अब हम लोग जब भी चाय पीते हैं तो नमकीन जरूर खाते हैं, तो ये अपथ्य हो गया। चाय के साथ में क्या खाएं? बिस्किट खाएं, मीठा खाएं, किंतु नमकीन ना खाएं, और नमकीन खाइए तो चाय ना। तो इस तरीके से हमें दूसरा काम हुआ भोजन में पथ्य और अपथ्य। इनकी बहुत एक बड़ी लिस्ट है, आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। मैंने तो आज आपके सामने कुछ थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल रखे ताकि आप लोग उसके बेस को समझ पाए। शहद और घी सम मात्रा में, बराबर अनुपात में मिला दिया जाए तो विष बन जाए, अपथ्य। और यदि उसे विषम मात्रा में लिया जाए तो अमृत है। यानी एक घी और शहद को मिला सकते हैं लेकिन बराबर अनुपात ना हो। जैसे 10 ग्राम घी में 2 ग्राम शहद हो, या 10 ग्राम शहद में 2 ग्राम घी हो, तो वो अमृत है। और दोनों 10-10 ग्राम है तो विष है, उसको नहीं लेते। इसी तरीके से शहद अमृत है। शहद को वेट बढ़ाना है तो ठंडे पानी में, ठंडे दूध में लिया जाता है, और वेट को लॉस करना है तो गुनगुने पानी में लिया जाता है। नींबू पानी, शहद वेट लॉस के लिए, बॉडी प्योरिफिकेशन के लिए सभी को बताया जाता है। लेकिन बॉइल्ड पानी में नींबू डाल दें, तो सॉरी शहद डाल दें, या शहद को डालकर पानी को बॉइल कर दें, तो वो हानिकारक हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, बहुत जबरदस्त एसिडिटी बनाता है। तो हमें भोजन के बारे में पथ्य और अपथ्य का भी ज्ञान हो, सम भोजन और विषम भोजन। छिरका हम लोग प्याज पर डालकर, छिरका सलाद के साथ ज्यादातर लोग सैलेड में खाते हैं, लेकिन चावल के साथ में छिरका अपथ्य है, हानिकारक है। तो जब चावल खाने हो तो प्याज के ऊपर छिरका ना डालें, छिरका डाल के ना खाएं। साधारण रूप से छिरका खाना
डाइजेस्टिव है, भोजन को जल्दी इजी डाइजेस्ट करता है। जिनको अपच है, मंदाग्नि है, वह खाने के बाद थोड़ा सा छिड़का पानी में मिला के ले सकते हैं। कुमारी आसव, द्राक्षासव, ये सब एक प्रकार के वही तो छिड़का ही तो है आसव। तो इसी तरीके से चावल के साथ में छिड़का वर्जित है। तो हमें आयुर्वेद अब ये बताएगा कि हमें किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए। इसी तरीके से फिर एक चीज और आती है जिन्हें हम कहते हैं सातम, यानी तीन हो गए, हितबुक, मितबुक, ऋतबुक, फिर पथ्य और अपथ्य, संभोजन और विसंभोजन। अब इसके बाद अगली चीज है वो है सातम। सर एक क्वेश्चन है कि छिड़का का मतलब क्या होता है, वो पूछ रहे हैं। छिड़का मैं अंग्रेजी नाम मुझे ध्यान नहीं है बहन, उसको जो एसिड जैसा होता है खट्टा काफी, उसे प्याज के ऊपर छोटी छोटी प्याज होटल वाले डाल के देते हैं भोजन के साथ में, लाल रंग का प्याज आपने खाया होगा पार्टियों में, होटलों में सबने खाया होगा, छोटे छोटे प्याज एक लाल रंग के लिक्विड में डाल के देते हैं। अच्छा। उसको छिड़का क्या बोलते हैं उसको, आप मुझे अंग्रेजी नाम आप बता दीजिए, हिंदी मुझे पता है। स्प्रिंग ऑनियन? नहीं नहीं नहीं, वो जो लाल इसमें डाल के देते ना सॉल्यूशन में जो डाल के देते वो नहीं डालना है। लाल ऑनियन को लाल बना देता है, छोटी छोटी प्याज उसमें डाल के देते हैं। और ज्यादातर ये जो चौमीन वगैरह लोग बनाते हैं तो वो काले रंग का एक लिक्विड डालते हैं, सोया सॉस, वो छिड़का है। विनेगर, विनेगर है क्या मैडम? विनेगर, 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 ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसको चावल के साथ में नहीं लेते। तो इसी तरह अब इसके बाद आता है सातम। सातम में चार प्रकार के सातम होते हैं। एक होता है देह सातम, आयु और कार्य के अनुसार, वर्क एंड एज, अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग भोजन, तो वो हुआ देह सातम। दूसरा हुआ रोग सातम, जिसको जैसा रोग है, जैसे जिन्हें एसिडिटी है तो पेट साफ करने वाले रफेज खाएंगे, जो पेट साफ करने वाली दवाइयां लेंगे वो लाभ कर लो। जिनको कफ का रोग है उनके लिए गर्म भोजन, उनके लिए लौंग, काली मिर्च, जायफल, ये जो किचन की चीजें हैं, हल्दी, ये औषधि है। लेकिन जो एसिडिटी वाले हैं उन्हें तेज मसाले हानिकारक हैं। तो रोग सातम, देह सातम, फिर आता है ऋतु सातम मौसम के अनुसार, और चौथा है देश सातम, आप जिस जलवायु में जहां हैं उसके अनुसार। तो ये चार प्रकार के सातम हो गए, देश सातम, देह सातम, रोग सातम और ऋतु सातम। तो ये चार प्रकार के सातम हो गए। तो ये हमें यदि भोजन में कर लें। अब इसके बाद भी भोजन जो है वो तीन प्रकार का है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक भोजन कैसा होता है, भगवत गीता के अध्याय, हम एक सेकंड मुझे आगे के श्लोक के लिए गीता उठानी पड़ेगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17, चैप्टर 17, श्लोक संख्या 8, और उसमें लिखा सात्विक भोजन। सात्विक भोजन में इन्होंने कहा आयु सत्व बल आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा आहार सात्विक प्रिया हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन्हें कैसा भोजन पसंद है या कौन सा भोजन सात्विक है, तो दोनों बातें, जो आयु बढ़ाने वाला हो, सात्विक मन को प्रसन्न रखने वाला हो, आनंददायी, फिर आरोग्य देने वाला हो, सुख देने वाला, प्रिय लगने वाला, रस्या, और ऐसे भोजन कौन से होते हैं,
तरल पतले, स्निग्ध गाय के घी में बने हुए, इसरा आराम से पचने वाले, न बहुत जल्दी न बहुत देर से, हृदया देखते ही मुंह में पानी आने लगे, मन को प्रसन्न करने वाले, लुभाने वाले, ये सात्विक व्यक्ति का भोजन है। लेकिन अब इसके बाद नौवें श्लोक में इन्होंने लिखा राजसिक, कटम्ब अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजस चेष्टा दुख शोकामय प्रदान। जैसे भोजनों के नाम लू, मसालेदार तीखे, जैसे बहनों को गोलगप्पे टिक्की चाट खूब पसंद है, ये राजसिक भोजन है, देखकर मन करता है खाने के बाद, लेकिन खाते खाते भी मुंह जलता है, आंख से पानी आते हैं और मुंह पर पसीना आता है, पर अच्छा लगता है, ये राजसिक भोजन है। खट्टा लवण युक्त यानी नमक वाला, अधिक गर्म, तीक्ष्ण और रुच्छ सूखे बिना तरी वाले, बिना पानी, विदाहीन दाह कारक मुंह जलाने वाले, अंदर भी जलन एसिडिटी करने वाले, ऐसे आहार जो हैं, ऐसे भोजन जो हैं राजसिक व्यक्ति को प्रिय होते हैं और इन भोजनों को राजसिक कहा। जो मसाले बहुत ज्यादा हों, गर्म बहुत ज्यादा हों, ठंडे बहुत ज्यादा हों, जैसे एक आइसक्रीम और ये सब उसी में आ जाएंगे राजसिक में। अब तामसिक भोजन क्या होता है, यातयाम गत रसम पूति परिषितम चयत उचिष्टम च आमेध्यम भोजनम तामसिम प्रिय। तो इसमें क्या हुआ, बदबूदार वासे कल के रखे हुए, दोबारा गर्म करके खाने वाले, सूखे मुंह में गले में भी निगलने में अटकते हैं, है ना। तो जो इस प्रकार के भोजन हैं बिना भूख के, ये सब तामसिक भोजन कहलाते हैं। अधपका जिसमें रस स्वाद नहीं है, उसी को अपना उन्हें खाने की आदत पड़ी है, उन्हें अच्छा लगा है, नॉर्मल आदमी को दे दो तो खाया ही ना जाए। सात्विक भोजन ऐसा होता है कि किसी को भी खिला दो वो पेट भर के खा लेगा। और अपवित्र भी, बनाते समय या भोजन को संभाल के रखते समय शुद्धता का पूरा ध्यान नहीं रखा गया। एक बहन पूरी रसोई को साफ करके, स्वच्छ करके, धूप बत्ती अगरबत्ती लगा के, स्नान करके रसोई बनाती है, एक बिस्तर से उठे और रसोई में चले गए और नाश्ता बनना शुरू, तो ये तामसिक भोजन होता है। राजसिक भोजन पूरी स्नान इत्यादि करके, घी का दीपक जला के, भगवान को प्रणाम करके और फिर प्रेम के साथ बनाया जाता है। तो ये सारा का सारा आयुर्वेद है। आप लोग, मैं बहन ज्यादा तो नहीं जा रहा, नॉर्मली ठीक है ना, इतना तो हमें योगियों को समझना ही पड़ेगा जी सर, और ये तो योग ही है, ये तो योग ही है, योग इसके बिना चलेगा नहीं, क्योंकि सवेरे पेट साफ नहीं हुआ तो रात्रि को, तो फिर सवेरे आसन कैसे करोगे, प्राणायाम कैसे करोगे, प्रसन्न कैसे रहोगे, ध्यान में मन कैसे लगेगा। यदि आपने रात को खट्टा मीठा कुछ उल्टा सीधा खाया और सवेरे एसिडिटी हो रही है, या तो लूज मोशन हो गए या खट्टी डकार है, जलन हो रही है, तो फिर तो आपको टैबलेट चाहिए, फिर ढूंढोगे कि कहीं से ओमेज 20 मिल जाए, या फिर वो बहुत सारे आजकल तो आ रहे हैं रेंटेक वगैरह, जिनटेक, तरह तरह के एसिडिटी के, तो एसिडिटी की गोलियां लोग स्टोर में अपने बॉक्स में रखते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं, एसिडिटी कभी किसी को भी हो जाती है, क्यों हो जाती है भाई, टाइम से नहीं खाते, लिमिट में नहीं खाते, है ना। तो ये बहुत सारे इसके कारण हो गए। अब इन कारणों में ही निवारण है, जिनकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, इसी को यदि हम ठीक कर लें तो रोग ठीक हो जाएगा। अब इसमें आता है फिर दोष, बात पित्त और कफ, बात पित्त कफ और ये त्रिदोष जो है, हेलो, जो स्वास्थ्य के मेन तीन आधार हैं,
वात पित्त और कफ। वायु रोग, एसिड से रोग, पित्त और बलगम कफ, ये तीन चीजें हमारे शरीर का पार्ट हैं, हमारे शरीर के आधार हैं, लेकिन जब ये बैलेंस रहती हैं तो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, ये अनबैलेंस हो जाती हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। तो जब वायु विकृत होती है, वायु कुपित होती है, तो 80 प्रकार के रोग जन्म लेते हैं, 80 टाइप। और पित्त कुपित होता है तो 40 टाइप के रोग होते हैं। और कफ कुपित होता है, कफ अनबैलेंस होता है तो 20 टाइप के रोग होते हैं। तो टोटल रोगों की संख्या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद 140, 140, 80, 40, 20, वात पित्त कफ। वात के 80, उसके आधे पित्त 40 और कफ के 20। अब इन रोगों के अलग अलग उपचार हैं, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आयुर्वेद की भाषा में इन्हें कहते हैं व्याधि। इन सबको मिलाकर जो रोग हैं, वात पित्त कफ का जो अनबैलेंस है उसको हम कहते हैं व्याधि। और वात पित्त कफ के आधार पर ही हमारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। मेटाबॉलिज्म में तीन चीज आ गई, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म। जो हम भोजन खाते हैं, भोजन पचाते हैं, भोजन से जो एनर्जी गेन करते हैं, जो फैट शरीर में स्टोर करते हैं, भोजन से ग्लूकोज बनता है, और जब ग्लूकोज अधिक मात्रा में बॉडी में जाता है तो वो उसे ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके और बॉडी के भीतर सेव कर लेते हैं, बाद में काम आएगा। कब काम आता है? जब भोजन कभी लेट हो जाए, खाना ना मिले, आप कहीं वर्किंग में, आपने कई बार देखा होगा बहुत तेज भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा, और घर जाते जाते खाना लेकर बैठे तो आप कहते भूख मर गई, अब भूख नहीं रही। तो भूख कहाँ गई? जो बॉडी में स्टोर था वो बॉडी ने यूज कर लिया। लेकिन जो लोग जब भूख लगती है तभी खा लेते हैं, स्टोर को छूते ही नहीं है, उन्हीं को हम मोटा कहते हैं, वही फैटी हो जाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म संस्कृति में एकादशी यानी महीने में दो बार, कोई मंगल का कोई वीरवार का व्रत रखते हैं, ताकि बॉडी में स्टोर ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनकर बॉडी प्रयोग कर ले। तो जो बॉडी के अंदर स्टोर ग्लाइकोजन को हम जब वर्किंग करते हैं, हमारी जब एनर्जी खर्च होती है, सेल्स टूटते हैं, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और भोजन से आए हुए ग्लूकोज को जब स्टोर करते हैं, ग्लूकोज के रूप में सेव करते हैं, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म एनर्जी जब खर्च करते हैं तो कैटाबॉलिज्म, दोनों का समावेश हो गया, दोनों का आपस में बैलेंस बना रहता है तो होती है एक हेल्थी बॉडी। हम जितना खाते हैं उतना काम करते हैं, जितना काम करते हैं उतना खाते हैं, तो एक हेल्थी बॉडी होती है। कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं कुपोषण, कुपोषण। और एनाबॉलिज्म बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हम मोटापा। दुनिया में एक ही ऐसा रोग है मोटापा, जो प्रारंभ होता है तो हमें अच्छा लगता है, प्रसन्न होते हैं, हेल्थ बढ़िया हो रहा है, सेहत बहुत बढ़िया है, चेहरे पर चमक है। लेकिन जब बैक आपकी आउट ऑफ शेप होती है, हिप अलग जाने लगती है, तो फिर लगता है ये तो बीमारी होगी भाई, इसको तो रोको, आओ इसके लिए करो मेहनत। तो इसलिए मोटापे से सबको सावधान रहना है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का एक बैलेंस बना के रखना है, इस दोनों के बैलेंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इनमें आपस में एक समन्वय बना रहे। तो ये भी आयुर्वेद का विषय है। अब आयुर्वेद ने एक बात और कही है, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि अंते पुरुषो रक्षार्थम आयुषः,
प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आसन और प्राणायाम करने वाला व्यक्ति अपने आयु का रक्षण करता है। इसको अंग्रेजी में कहावत के रूप में कहा है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए हेल्थी वेल्थी एंड वॉइस। जो समय पर जल्दी शाम को सो जाता है, जल्दी उठ जाता है और अपनी दिनचर्या समय पर प्रारंभ करता है, ऐसा व्यक्ति हेल्थी भी होता है और वेल्थी भी होता है, वॉइस और वो इंटेलिजेंट भी होता है। तीनों चीज प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल उठ के योग करना, ये भी आयुर्वेद का ही पाठ है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा इस बात पित्त कफ पर और प्रकाश डालते हैं। जो वायु रोग कुपित होता है उसका एक बड़ा कारण है, जिन्हें वासनाओं में अधिक प्रेम होता है उन्हें वायु रोग होता है। जो वेग रोधक, जो वेगों को रोकते हैं, आयुर्वेद में 13 प्रकार के वेग बताए गए। आयुर्वेद में वेगों की संख्या 13 प्रकार के। अब ये वेग क्या है एक बार समझेंगे। मल का वेग, मूत्र का वेग, मल त्यागने की इच्छा हो रही है लेकिन आपको जाने का या तो समय नहीं मिल रहा या आप आलस कर रहे, तो आपको रोग हो सकता है, बीमार होंगे। मूत्र का वेग, माता के स्तनों में दूध का वेग, छींक आना चाहती है आप नाक बंद करके रोक रहे, तो ये ना कह दे आप सगुन हो गया। तो मल का वेग, मूत्र का वेग, छींक का वेग, खांसी का वेग, वायु अपान वायु जो गुदा द्वार से निकलती है वो साउंड के डर से, बदबू के डर से बहुत सारे लोग उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं। अपान वायु का वेग, डकार, भोजन के बाद में डकार आती है, जमाई। इसी तरह वीर्य का वेग भी होता है। तो हमें कोशिश करनी है, क्रोध का वेग भी होता है, गुस्सा आ रहा है पर लाना नहीं, आने नहीं देना, रोके जा रहे। तो ये 13 प्रकार के वेग हैं जो हमें, भूख का वेग, प्यास का वेग, भूख लगी हुई है खाना नहीं खा रहे, प्यास लगी है प्यास नहीं, पानी नहीं पी रहे। तो ये 13 प्रकार के वेग होते हैं जो हमें रोगी बनाते हैं। वेग जो है वो 13 प्रकार के हैं, 13 प्रकार के वेग। ये 13 प्रकार के वेग हैं, यदि आप लिखना चाहें तो मैं इन्हें क्रम से भी बता देता हूं। नंबर 1 मूत्र का वेग, नंबर 2 मल, नंबर 3 शुक्र, नंबर 4 अपान वायु, नंबर 5 शुक्र वीर्य, नंबर 4 अपान वायु, नंबर 5 बमन वॉमिटिंग आना, वॉमिटिंग आना चाहती है और आने नहीं दे रहे, रोके पड़े, ठीक ठीक नाक से, डकार, जमाही लगना, भूख, प्यास, आंसू, रोने को मन कर रहा हो तो रो लेना चाहिए, आंसुओं को भी रोकना हानिकारक हो, तीव्र श्वास, कुछ आपने हार्ड वर्किंग की इससे श्वास की गति बढ़ गई और आप श्वास लेना नहीं चाहते आराम से, और वर्किंग, तो उस समय रुक कर गहरे लंबे श्वास लेना चाहिए। और इसमें आज 13वां आता है नींद, निद्रा, एक 6 से 8 घंटे 24 घंटे के भीतर सोना। यह रत्नावली में 14 13 प्रकार के वेगों का वर्णन किया गया है।
अब आयुर्वेद का जो चिकित्सक होता है उसका मूल कारण क्या होता है, मूल उद्देश्य क्या है? रोगी हित सर्वोपरि, रोगी का हित सबसे प्रिय, सबसे पहला धर्म है, रोगी जैसे स्वस्थ हो जाए। अब इसी तरह पित्त पर आते, पित्त बढ़ने, एसिडिटी के मूल दो कारण बताए, एक क्रोध, एक असमय में भोजन, बिना भूख के भोजन या भूख लगने पर न भोजन, दोनों ही एसिडिटी के कारण है। तीसरा है कफ, कफ इसके लिए लोभी, आलसी और कार्बन युक्त शीतल पेय, यानी ज्यादातर ठंडी चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का ठंडा दूध, फ्रिज का पानी, इसका एक कारण है। और एक आलस्य करना, भूख के समय पर भोजन न करना, और फिर लोभी, हमें लग रहा है कि नुकसानदायक चीज है पर मीठा तो खा ही लेते हैं, आइसक्रीम तो ले ही लेते हैं, ये जो लोभ है ये भी इसका कारण है। इसी तरह इन वात पित्त कफ के तीन समय भी हैं। प्रातः काल 4 बजे से लेकर 4 AM से लेकर 12 AM, 8 बजे से 12 बजे दोपहर तक वायु का प्रकोप होता है, और इस वायु के प्रकोप में यदि हम पानी का, जल का सेवन करें और व्यायाम करें तो शरीर से रोग निकल जाते हैं, रोगों को शांत करता है। दूसरा है पित्त, दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक, 12 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक का समय एसिडिटी का है। एसिडिटी के रोगियों को ज्यादातर समस्या प्रातः काल दोपहर के बाद ही होती है। अब इसके बाद में आता है कफ, कफ के रोगियों को रात्रि 8 बजे से लेकर प्रातः काल 4 बजे तक इस रोग की तीव्रता होती है, ये रोग तंग करता है, आप इन रोगियों को देख भी सकते हैं। अब इनका उपचार क्या है? उपचार है स्वेदन, गर्म भोजन, वात रोगी के लिए गर्म भोजन अर्थात पसीना लाने वाले भोजन, जितना पसीना निकलेगा उतना शांत रहेगा, चाहे वो स्टीम लेकर करें चाहे वो एक्सरसाइज से करें, पसीना बहाने से वायु रोग शांत होता है। पित्त रोग, विरेचन, पेट साफ करने वाली औषधियां, छिलकेदार सब्जियां, जैसे जैसे गेहूं की रोटी आप खाते हैं तो गेहूं का चोकर सहित छिलके वाला चना, घाट, जौ उसमें मिलाकर बनाएं तो वो रफेद बन जाता है। देसी घी एसिड को शांत करता है। और इसी तरह कफ के रोगियों को हल्के गरम भोजन, भोजन में काली मिर्च, लौंग, जायफल, दालचीनी, इनका प्रयोग। अब इनमें इनके उपचार को हम ऐसे ले लें कि वात रोग में पसीना बहाना, स्वेदन, पसीने को आयुर्वेद में कहते हैं स्वेदन, और पित्त रोग में विरेचन, विरेचन में रात्रि को त्रिफला, त्रिफला को गर्म पानी या दूध से ले लें, आंवला ले लें, बिलवादी चूर्ण, बेल का चूर्ण ले लें, या स्वामी जी महाराज का उदर कल्प चूर्ण या उदरामृत वटी, इनका प्रयोग करके पेट साफ करने वाली गिलोय घनवट्टी या फिर ईसम गोल की भूसी लेकर पेट को साफ रखेंगे तो ऐसे शांत रहेगा। तीसरा है कफ रोग, इसमें वॉमिटिंग करने से, कुंजल क्रिया करने से, पानी पी के बाहर निकालने से या वॉमिटिंग करने से कफ रोग शांत होता है। और कफ के रोगियों के लिए त्रिकटू, सौंठ, मिर्च और पीपल बराबर मात्रा में मिलाकर यदि सेवन करें
शहद के साथ करें तो और भी उपयोगी। इसी तरह सौंठ, मिर्च और पीपल, इसका सेवन त्रिकटु, कुंजल करना, जलनीति सूत्रनीति करना, इस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है, आयुर्वेद में कुछ औषधियों का प्रयोग भी। हेलो, अलग अलग हेलो ओ जी सर, मेरा एक प्रश्न है जी। जी डॉक्टर, हाँ जी, कौन सा फूड जो पित्त को अवॉइड कर सकता है, कौन सा टॉपिक? नहीं, पित्त को अवॉइड करने वाला फूड, फूड क्या खाए जिससे पित्त ना हो? रफेज ना हो, रफेज और हल्के मीठे और ठंडे भोजन, अधिक गर्म और मसाले वाले मसालों को अवॉइड करें, अधिक गर्म भोजन ना करें, और जैसे सेब खाएं तो छिलके के साथ खाएं, दालें खाएं तो छिलके वाली खाएं ना, और आटे की रोटी भी बनाएं तो चोकर के साथ, जिससे पेट साफ होता रहे। सर आपने ये कफ के लिए जो बताया, पीपल, पीपल क्या होता है सर? ये हमारा जो गरम मसाला होता है, इसमें एक छोटी पीपल के नाम से मसाला आता है, इतना सैतूत की जी बनावट होती है लेकिन बहुत छोटा सा होता है, वो मसाले की दुकान पर मिल जाता है, मसाले में, गरम मसाले में मिक्स होता है, सौंठ और काली मिर्च और पीपल। इसी तरह वायु रोग में हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर, हल्दी, मेथी, सौंठ, इनके पाउडर को एक एक चम्मच बराबर मात्रा में मिलाकर दूध के साथ लेने से वायु रोग भी शांत रहता है और कफ रोग भी शांत रहता है, ये दोनों में काम करता है। चले तो अब आगे चलते हैं। आयुर्वेद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द आता है और वह है हमारा रसोई घर। आयुर्वेद में रसोई घर को आयुर्वेदिक चिकित्सालय कहा है। आयुर्वेद में रसोई घर क्या है? आयुर्वेदिक चिकित्सालय। जैसे किसी को बलगम का रोग है या सर्दी लग गई, जुखाम हो गया, तो क्या करें? अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी डालकर काढ़ा बना लें तो अति उत्तम, और चाय में भी डाल लें तो रीत मिलता, लेकिन उसी को चाय में दूध न डाल के, चीनी न डाल के, काढ़े का अर्थ होता है पानी जलकर वनफोर्थ रह जाए, चौथाई रह जाए, यानी आप दो काली मिर्च ले लो, दो लौंग ले लो और थोड़ा सा 5 ग्राम का टुकड़ा दालचीनी का ले लो, 10 ग्राम अदरक कूट के ले लो, एक छोटी इलायची डाल दो और उसको 500-600 ग्राम पानी उबाल के, जब 150 ग्राम पानी रह जाए, 600 ग्राम का 150 ग्राम रह जाए, तो उसे चाय की तरह चुस्की लेकर पी लो तो वो आपको ठीक कर देता है। इसी तरह बलगम बढ़ा हुआ हो, बलगम अधिक आता हो, तो रात्रि को दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर पी लें तो बलगम ठीक हो जाता। किसी का जी मचलाता हो, यानी एसिड की वजह से, किसी और विकार की वजह से मुंह साफ नहीं रहता, जी मचलाता है, तो हम छोटी इलायची का प्रयोग कर लें, छोटी इलायची, थोड़ा सा धनिया, मुंह में दुर्गंध आती हो तो थोड़ा सा धनिया लेकर मुंह में चबा लें। भोजन के उपरांत सौंप और मिश्री खाने का तो हमारा प्रचलन है, भोजन के उपरांत सभी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन भी सौंप और मिश्री का प्रयोग करते हैं, तो मिश्री और सौंप के सेवन से हमारा भोजन आसानी से पच जाता है और हम रोगी नहीं होते। इसी तरह से रसोई घर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग, छोटी इलायची का पाउडर मुंह में हुए छालों पर लगा देने से छाले ठीक हो जाते हैं। बच्चे की पसली चल रही हो, यानी उसको बहुत निमोनिया जैसी स्थिति बन रही हो, बलगम हो, तो जायफल को, जायफल एक फल होता है जो मसाले में पड़ता है, लौंग के पेड़ पर बताते हैं लगता है, मैंने देखा नहीं है पेड़ के ऊपर, केरल में बहुत होते हैं मसाले, तो जायफल को दूध में घिसकर बच्चे को चटा देने से उसका निमोनिया ठीक हो जाए।
और ये बड़ों को भी फायदा देता है। तो रसोई घर को आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नाम से जाना जाता है। यदि बहनों को या भाइयों को उसके मसालों की गुणवत्ता और सेवन विधि पता हो तो। इसी तरह जितने वायरल फीवर हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो या कोई अन्य वायरल, इन सब में गिलोय का काढ़ा, और गिलोय के साथ हम लौंग, इलायची, इनका सेवन कर सकते हैं। इसी तरह वायु रोग में हम अजवाइन और मेथी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें सीताफल वायुकारक होता है, तो सीताफल को बनाते समय हम मेथी का प्रयोग करते हैं, और अरबी बनाते समय हम प्रयोग करते हैं अजवाइन का। तो पेट के दर्द में अजवाइन को भूनकर यदि थोड़ा सा अजवाइन खा लिया जाए तो पेट का दर्द और इंटेस्टाइन की गैस में तुरंत रिलैक्स मिलता है। तो इस तरीके से हम आयुर्वेद को में रसोई घर को एक औषधालय के रूप में कहते हैं, और हमारी माताएं आयुर्वेदिक चिकित्सालय के रूप में रसोई घर का प्रयोग करती हैं। रसोई घर में एक बहुत ही गुणकारी मेडिसिन होती है जिसका नाम है हींग। हींग का सेवन वायु रोगों में बहुत लाभकारी होता है, अपच में लाभकारी होता है, कब्ज में लाभकारी होता है, और इसी के साथ साथ हमारे रसोई घर में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो गर्मी को शांत करती हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, ये तीनों ही ठंडे होते हैं। हमारे यहाँ आजकल तो बनी हुई हल्दीराम की, गोपाल जी की ठंडाई आती है, गर्मी के दिनों में सेवन करते हैं। पहले तो माताएं बादाम, सौंफ, काली मिर्च रात को भिगो देती थी, सवेरे सिल पर बारीक पीसकर और दूध में मिलाकर ठंडा ठंडा सुबह सुबह मीठा डाल के उसको पीते थे, शक्कर डाल के, तो सारा दिन ठंडा रहता, शरीर जो है ठंडा रहता था। तो इस प्रकार से हम लोग आयुर्वेद का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, और आयुर्वेद का प्रयोग हमें करना चाहिए। परहेज पूरी तरह करना चाहिए। अब यदि हम इसको वायु की बात करें तो वायु 10 प्रकार का होता है, 5 प्रमुख और 5 उनके सहायक। कंठ से ऊपर उदान, कंठ से नीचे लंस में प्राण, नाभि पर्यंत समान, नाभि के नीचे अपान, और सारे शरीर में ध्यान। प्राण ऊपर से लेके चलेंगे तो उदान, प्राण, समान, अपान, और पूरी बॉडी में ध्यान। अब इनका एक एक हेल्पर है। उदान का देवदत्त, जैसे किसी को बहुत काम करके थकान हो रही हो तो जवाई आती है, वो देवदत्त आपको इशारा दे रहा है कि भैया अब आराम कर लो, जवाई देना, देवदत्त। इसी तरह जब आपने कुछ, जो प्राण है इसका सहायक है नाक, शरीर के अंदर कुछ विषाक्त बढ़ रहा है तो आपको वॉमिटिंग आती है, कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह होती है तो उल्टी आती है, जी मचलाता है, और छींक आती है, खांसी आती है, ये सारा नाग का कार्य है। क्रकल समान का सहायक है, क्रकल, तो जब भूख लगती है तो पेट में चूहे कूदते हैं, कहते हैं ना चूहे कूदते हैं, वो अपान समान जो है, क्रकल जो है वो बच्चे को भूख लगती है तो खुजली करने लगता है, बच्चे को भूख लगती है तो रोने लगता है, तो ये समान का, क्रकल का। अब उसके बाद में आती है अपान, अपान का सहायक है कूर्म, जब मलमूत्र का त्याग होता है तो नीचे अपान वायु रिलीज होती है, पेट में गैस होती है, बच्चे को लेटन आ रही हो तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कुछ अलग ढंग से देखने लगता है, उसकी माँ को पता लग जाता है अब ये मल का त्याग करने वाला है, अब इसको लेटन आ रही है, तो ये कूर्म का कार्य। और धनंजय
व्यान का सहायक धनंजय पूरे शरीर में एक रिजर्व फोर्स की तरह से अलर्ट रहता है और पूरे शरीर का ध्यान रखता है। तो पांच प्रकार का तो प्राण हो गया। इसी तरह से पांच प्रकार का पित्त है, पित्त भी पांच प्रकार का है, जिसमें पहला है डाइजेस्टिव पाचक, दूसरा है रंजक जो आमाशय में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, इसे हम कहते हैं पाचक। रंजक लीवर और पैंक्रियास से जो जूस आता है डियोडाइनम में जाके उसको भोजन को बिल्कुल क्षारीय बना देता है, रंजक अलग अलग कर देता है पानी को अलग और पोषक तत्वों को अलग ताकि कैपिलरी सोख सके, उसे रंजक कहते हैं। और जो हृदय में ठहराव लाता है स्थिरता लाता है उसे कहते हैं साधक। और नेत्रों में एक पित्त की वेरिएशन होती है जिसे हम कहते हैं आलोचक। जब हमें किसी का उपहास करना होता है तो हम पहले आंखों से ही आंखों में इशारों में ही सामने वाले को छेड़ देते हैं, चिढ़ा देते हैं, बच्चों में ये बहुत चलता है। और फिर है भ्राजक, ये हमारी त्वचा में होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में पांच प्रकार के कफ होते हैं, बलगम म्यूकस, और वो है क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। हमारे आमाशय में भोजन को लिक्विड बनाने में जिस पानी का इस्तेमाल होता है वो बलगम ही है, उसे क्लेदक कहते हैं। उदर स्थल में अवलंबक जो यकृत और प्लीहा जो जूसेज बनाते हैं वो भी एक प्रकार का बलगम से ही जल से ही निर्माण होता है, वो उदर स्थल में वो हमारे पेट में होता है, इसको हम कहते हैं अवलंबक। जिभ्या के मूल में जो बलगम की एक वेरिएशन होती है जीव के निचले भाग में कंठ में पीछे, उसे हम कहते हैं बोधक। हमें मीठा नमकीन तीखा तब यहीं से पता लगता है, ये बोध कराने का काम भी बलगम ही करता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो नसें नाड़ियां जो हमारा नर्वा सिस्टम है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इन सबको तंत्रिका तंत्र है, इसको हम तर्पक कहते हैं। यहाँ पर जो बलगम है उसे तर्पक कहते हैं। और हमारी हड्डियों के जॉइंट में अस्थि में जो जिसे डॉक्टर कार्टिलेज कहते हैं, ग्रीस कहते हैं, जो ग्रीस खत्म हो जाता है, कार्टिलेज है जो लिक्विड है उसे श्लेषक कहते हैं। ये पांच प्रकार के हमारे कफ हैं, पांच प्रकार के पित्त हैं, पांच प्रकार के प्राण और पांच उनके उपप्राण, ये सब आयुर्वेद का ही विषय है। अब आयुर्वेद में एक चीज और आती है कि हमारे रेगुलर भोजन से अलग कुछ औषधीय भी हैं। अब औषधियां हमारी दो प्रकार की, जैसे हमारे ड्राई फ्रूट है ये भी औषधि है। हमारे पास कुछ हमारे गमलों में वनस्पति पौधे हैं ये भी औषधि है। इनके गुण चलिए समय तेजी से जा रहा है, 9:30 हो गए, एक प्रमुख विषय थोड़ा सा ले लेते हैं इसमें से। दो चीज है भोजन, औषधि, रसायन। भोजन, औषधि, रसायन, ये तीन चीज होगी। भोजन क्या है, जो रेगुलर शरीर को चलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं, जिसमें फल सब्जी डालें, अन्न, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, भोजन। अब इसके बाद आता है रसायन। रसायन वो होता है कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति भी इनका सेवन करता रहे तो रोगी नहीं होता, जिसमें आती है चंद्रप्रभा, गिलोय, आंवला, बेल और भी बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो रसायन के रूप में ली जाती हैं। एक च्यवनप्राश बहुत प्राचीन से चला रहा और तमाम आयुर्वेदिक कंपनियां उसको अलग अलग नाम से बनाती हैं, च्यवनप्राश, ये भी रसायन।
स्वामी जी महाराज का एक आता है बादाम पाक, केसरी जीवन, ये सब रसायने हैं। स्वस्थ व्यक्ति सेवन करेगा तो स्वस्थ रहेगा, रोगी व्यक्ति सेवन करेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। तो आंवला, नींबू, बेल, गिलोय और आपका चंद्रप्रभा, ये रसायन है, रोगी भी खा सकता है निरोगी भी खा सकता है। रसोई घर में जो मसाले हैं वो भी रसायन है, उन्हें रोगी भी खा सकता है निरोगी भी खा सकता है। लेकिन औषधियां वो होती हैं जो रोगी को खिलाने से लाभ होता है, निरोगी को खिलाने से हानि। औषधि उन्हें कहते हैं जो रोगी के लिए तो लाभ देती है और निरोगी को हानि देती है। तो इसी प्रकार से हमारे रसोई घर में, हमारे जो आयुर्वेद में कुछ औषधियों का भी प्रयोग रोगानुसार किया जाता है। तो रसायन, औषधि और भोजन, ये तीन चीज हो गई। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है। चलिए दो चीज और मेरे ध्यान में आ रही हैं, चलिए थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आयुर्वेद का ये एक पार्ट है दिनचर्या और ऋतुचर्या। आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति की दिनचर्या कैसी हो और ऋतुचर्या कैसी हो। दिनचर्या प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ जाना, मलमूत्र का त्याग करना, दांतों की शुद्धि करना और उसके बाद थोड़ा सा विश्राम, मेडिटेशन, स्नान, भगवान की पूजा अर्चना ध्यान, फिर प्रातः काल में उषापान, दोपहर में भोजन, भोजन में मौसम के फल और सब्जियां, दूध और दही, प्रातः पानी, दोपहर में दूध, सॉरी प्रातः पानी, दोपहर में छाछ और रात्रि काल में दूध अमृत के तुल्य होता है। और इनका सेवन भी ऐसे करें, रात्रि को सोने से पहले दूध, दोपहर में भोजन के साथ छाछ, प्रातः काल में पानी, इनका प्रयोग करेंगे तो ये अमृत के तुल्य होते हैं। अब इसके बाद में आता है, औषधियों को अलग अलग टाइम से अलग अलग प्रयोग करें, भोजन के नियमों का पालन करें, रसायनों को निरंतर, हमारे ड्राई फ्रूट भी एक प्रकार के रसायन है, अधिक मात्रा में लेंगे तो नुकसान देंगे लेकिन अल्प मात्रा में 2 से 5 बादाम, 1 से 2 अखरोट, 5 से 20 तक किशमिश, 5 से 10 तक मुनक्का, 2 अंजीर, इनका हम रसायन के रूप में नित्य प्रति सेवन कर सकते हैं। ये सब आयुर्वेद का ही पार्ट है। अब जो दिनचर्या, अब दिनचर्या में आगे चलेंगे हम, तो सोने से 2 घंटे पूर्व भोजन, सोने के 1 घंटे पूर्व दूध और शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार परिश्रम, अपना कार्य जो जो करते हैं अपने अपने कार्य। ऋतुचर्या मौसम के अनुसार, इसी ऋतु दिनचर्या को मौसम के अनुरूप बना लेना, जैसे ठंडे स्थान में गर्म पानी से स्नान, गर्म स्थान में ठंडे पानी से स्नान, इसी तरह शरद ऋतु में हल्का गुनगुना पानी पीना और ग्रीष्म ऋतु में बॉडी टेम्परेचर का पानी पीना, इस तरीके से दिनचर्या और ऋतुचर्या, मौसम के अनुसार फल और मौसम के अनुसार सब्जियां, इनका प्रयोग। अब चलते हैं, समय बहुत कम बचा है तो अब हम मूल पॉइंट पर आते हैं और इसको समापन की ओर लेके चलते हैं। यानी आयुर्वेद को ठीक से जानने के लिए हमारा शरीर पंच प्राण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 प्राणों से बना है, 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हमारे शरीर के निर्माण के महाभूत, इन्हें पंच महाभूत के नाम से जाना गया।
और पंच महाभूतों का एक एक गुण है और उनके लिए एक एक इंद्रिय है। जैसे सबसे पहला है आकाश, आकाश में एक गुण है, आकाश में शब्द भ्रमण करता है और शब्द को ग्रहण करने के लिए हमारे पास कान है। और आकाश के बाद में आता है, आकाश के भीतर है वायु, वायु को में गुण होता है स्पर्श का, वो टचिंग से फील होती है और वायु के लिए हमारे पास इंद्रिय है त्वचा। फिर तीसरा गुण है अग्नि का, तीसरा तत्व है अग्नि, अग्नि का गुण है रूप और रूप को ग्रहण करने के लिए हमारे पास है आंख। और आंख के बाद में आता है जल, जल को में होता है रस और रस को ग्रहण करने के लिए होती है हमारे पास जिभ्या, मुख के भीतर जीव स्वाद रस। और पांचवा तत्व है पृथ्वी, पृथ्वी में होता है गंध, गंध को ग्रहण करने के लिए हमारे पास होता है एक नाक। शब्द तो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पांच तत्व शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच हमारे इन्हें तन्मात्रा कहते हैं और इनको ग्रहण करने के लिए एक एक इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रिय और फिर काम करने के लिए पांच इंद्रिय, हाथ पैर जीव जननेन्द्रिय और गुदा, ये पांच काम करने के लिए इंद्रिय होती है। तो हमें ये एक सीक्वेंस बन गया, इन्हीं के आधार पर इन पंच तत्वों का बैलेंस आरोग्य है, अनबैलेंस रोग है। तो इनको ठीक करने के लिए भी हम भोजन के अलग अलग टाइप का भोजन करके हम पंच तत्व को बैलेंस कर लेते, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पांच तत्व। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक शब्द है बड़ा प्रचलित है भारतवर्ष में जिसका नाम है भगवान, भगवान के भीतर ये पांच महाभूत समाये हुए हैं, इन्हें पंच देवता कहा, इनकी पूजा करनी चाहिए। और ये क्या है, भाषे भूमि, भूमि नीचे से ऊपर वाली उंगली, ये भूमि का प्रतीक है, पृथ्वी का, भूमि के नीचे होता है जल, तो भूमि और भूमि के ऊपर क्या है, भाषे भूमि, गाछ से गगन, उसके ऊपर आकाश और आकाश में वायु, आकाश में वायु और सबसे ऊपर टॉप में अग्नि सूर्य, सूर्य से अग्नि आती है लेकिन वर्षा भी आकाश से पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी के नीचे चली जाती है, उसे नासे नीर, भासे भानु, गासे गगन, बासे वायु, आसे अग्नि और नासे नीर। भगवान शब्द में ये पांचों देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है और ये पंच महाभूत हमारे पांच प्रमुख देवता हैं, जिनको हम जितना स्वच्छ रखेंगे उतने हम निरोग रहेंगे और जब इनमें पॉल्यूशन होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, तो हमें रोगी होना ही पड़ेगा, चाहे वो वायुमंडल में प्रदूषण हो, चाहे वो पृथ्वी पर। स्वच्छ भारत अभियान में क्या चल रहा है, पृथ्वी का प्रदूषण कम करो, वायु प्रदूषण, सर्दियों में वायु प्रदूषण होता है तो आप लोग देखते हैं सांस लेना दुर्लभ हो जाता है, वायु प्रदूषित होती है तो वायुमंडल आकाश भी दूषित हो जाता है। जल, जब पानी को हार्वेस्टिंग ठीक नहीं होगी तो हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा। तो इन पांच देवताओं का को पवित्र रखना और स्वस्थ व्यक्ति की पहचान लिखते हुए महर्षि चरक ने लिखा, एक सेकंड, इन पंच महाभूतों को स्वच्छ रखना, भगवान की पूजा आराधना, इससे भगवान प्रसन्न होता है। इसके बारे में हमने तरह तरह के बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे, देखे होंगे, आप लोग करते भी होंगे। और अब हम स्वस्थ व्यक्ति की पहचान की बात कर रहे थे तो महर्षि सुश्रुत ने, महर्षि चरक ने एक सूत्र लिखा है, समदोषः
सम दोषा सम अग्निश सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ यत्यभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान लिखते हुए महर्षि चरक लिखते हैं समदोषा अर्थात बात पित्त कफ ये तीन प्रकार के दोष जिनके सम होते हैं वही स्वस्थ है। सम अग्निश अग्नियां हमारी 13 प्रकार की हैं, 5 धातु अग्नि जो मैंने आपको बताई पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश और 7 पंच महाभूत पंचभूताग्नि और 7 धातु अग्नि। धातु अग्नि 7 होती है, भोजन से लिया गया रस, रस से बना रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मज्जा से बोन, बोन से बयन वरु और बहनों में रज, पुरुषों में वीर्य, ये 7 धातु होते हैं। तो सम दोष है जिसके दोष सम हो, जिसके धातु सम हो। सम धातु मल क्रिया और मल क्रिया ठीक हो यानी मलमूत्र का विसर्जन टाइम टू टाइम होता हो। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना जो इंद्रियों जिसकी शांत हो और मन प्रसन्न हो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ कहलाने का अधिकारी है। सम दोषा सम अग्निश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीय थे। अर्थात इसको मैं बड़ी सिंपल भाषा में कहूं कि जो प्रभात काल में वॉशरूम में जाने के बाद मल त्याग करके प्रसन्न होकर निकलता है वो उसका सारा दिन प्रसन्नता के साथ कटता है, लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार बाथरूम में बैठा हुआ सोचता रहता है अब आए पेट पर हाथ फिराता है और जब निकल कर आता है तो वो चिड़चिड़ाता है। जिसका पेट साफ हो जाए और घर में पूछे क्या नाश्ता बना हुए जो मर्जी बना लो, और चिड़चिड़ा व्यक्ति कहता है मेरा तो पेट साफ नहीं हुआ तुम्हें नाश्ता की पड़ी है, और फिर उसमें ऐब निकालता ये बना दिया वो बना दिया ये बना दिया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए आयुर्वेद पर इतनी परिचर्चा काफी। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें हम अलग अलग ढंग से अलग अलग बात कर सकते हैं। तो मैंने उसकी जो आप लोगों की जो रिफ्रेशर के लिए ये कोर्स करा रहे हैं तो उसमें कम से कम रसोई घर, दिनचर्या और ऋतुचर्या और भोजन 3-4 चीजों से आपका परिचय कराने की कोशिश की है। मुझे लगता है आयुर्वेद आपके लिए इतना काफी है। अब 10 मिनट बचे हैं तो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम दूं। प्रीति बहन ओम हेलो जी हाँ मेरा एक क्वेश्चन है सर आपत्ति ओ सीताफल के पत्ते जो है हेलो हाँ कौन हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हाँ ये सीताफल के जो पत्ते हैं सीताफल सीताफल जो है ना हाँ सीताफल डायबिटीज डायबिटीज के लिए यूज करते हैं सही है क्या? देखिए रोगियों के लिए सीताफल बहुत अच्छी चीज है, सीताफल का जूस निकाल के भी पिया जा सकता है, लेकिन ये वायु कारक होता है, इसको मेथी के साथ में छोका जाता है, इसलिए यदि सीताफल का प्रयोग करें तो मेथी का प्रयोग जरूर करें। जी और कोई सर ये पथ्य अपथ्य के लिए कोई किताब वगैरह है सर? हाँ पतंजलि के आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य 300 पेज की पुस्तक है मेरे पास, ये रखी है, ये पुस्तक आती है आप ले सकते हैं, पर 300 पेज की पुस्तक पढ़ाने में कितना समय लगेगा आप भी सोच सकते हैं, मैंने इसके अंश निकाल के आपको देने की कोशिश की है। जी 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 एक्चुअली किसके साथ क्या खाने चाहिए वही जैसा दही के साथ में ये नहीं जब... पूरा 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 चैप्टर है इसमें एक इसको जी, जी, जी. आहार विहार का एक आहार का चैप्टर है और काफी बड़ा चैप्टर है उसमें ये सारी चीजों का वर्णन। सर किताब का नाम बोलिए ना आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। थैंक यू सर जी और कोई सर एक प्रश्न है वात अगर किसी इंसान को होता है तो उसके ऊपर उपाय क्या है? वात किसी को होता है तो पसीना निकालने का जो कार्य है जैसे उसे आसन इत्यादि करें तो सुबह पसीना बहाएं गर्म पानी से स्नान करें स्टीम मसाज गर्म ऑयल से मसाज कराएं जैसे सरसों के तेल इसमें तिल के तेल में 100 ग्राम तेल में 10 ग्राम अजवाइन 10 ग्राम सौंठ और 10 ग्राम लहसुन इन तीनों को जला लें तेल को छान के रखें उसे मालिश करें
स्टीम बाथ लें, सोना बाथ जिसे आप लोग कहते हैं, सोना बाथ स्टीम बाथ का प्रयोग करें, और हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर एक एक चम्मच प्रातः और सायं, रात्रि को दूध से सवेरे गुनगुने पानी से सेवन करें। सर एक पूछना है जी, सर हाथ पैरों में चींटी आ जाती है कई बार, हाथ और पैरों में चींटियां रहती हैं, ये क्या नाम है, वीकनेस होती है, हीमोग्लोबिन लेवल आपका कम है, आप चेक करा लीजिए। इसके लिए किशमिश और मुनक्का नहीं, बहुत से लोगों को जैसा कोई बैठे रहे तो प्रेस हो जाता हाथ, तो हाथों में चिट्टी आ जाती, पैरों में बैठे रहे तो पैरों में भी ऐसा लगता है कि मैं वही बता रहा हूँ, ये हीमोग्लोबिन की कम से वीकनेस है, इसमें रात की भीगी हुई किशमिश, डायबिटीज नहीं है तो किशमिश और मुनक्का, अंजीर खजूर, इनको अल्प मात्रा में, जैसे मैंने बताया बादाम एक दिन में पांच से ज्यादा ना लें, मुनक्का पांच, किशमिश लें तो दस, अंजीर दो, खजूर दो, अखरोट दो, ऐसे करके कभी अखरोट ले लिया कभी बादाम ले लिया, इनका लगातार सेवन करें। मखाने को हल्का सा घी में भून लें, शाम को चार बजे चाय वगैरह या कुछ लेते हैं तो उसमें अल्प आहार में मखाना ले लें, तो ये वीकनेस है जो चींटियां रहने लगती हैं। सर एक प्रश्न है, क्या आचार्य महोदय एक प्रश्न है मेरा। जी बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। वात और कफ ये तो शरीर में रहते ही है, हर एक शरीर में होता है उपलब्ध, लेकिन इसको मेंटेन कर सकते हैं आयुर्वेद से, हम निकाल नहीं सकते पूरी तरह से, बराबर है सर मेरा? वात और पित्त और कफ ये तीनों ही हर एक शरीर में है, लेकिन इनकी एक, हाँ। इनकी एक लिमिटेशन है, जैसे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। तो जो वासनाओं में जिनका मन अधिक रहता है, जो वासनाएं सेक्स इत्यादि ज्यादा जो करते हैं, उनका बात कुपित होता है, बात बढ़ जाता है, क्रोधी स्वभाव के लोगों का पित्त। अब इसमें भोजन भी होते हैं, जैसे मान लीजिए ठंडी इत्यादि चीजें खाएंगे तो बात बढ़ेगा, जब डाइजेशन खराब होगा तो बात बढ़ेगा, पेट से ज्यादातर इसका संबंध है, कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो बात बढ़ेगा, क्रोध ज्यादा करेंगे मसाले ज्यादा खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा, कफ ठंडी चीजों से और नियंत्रित कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते आयुर्वेद से। हम इनको देखिए ऐसा है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समय तो कम है, काम क्रोध लोभ मोह, और इसी तरह से आपका हो गया बात पित्त और कफ, ये खत्म नहीं किए जा सकते। काम क्रोध लोभ है ऐसे समझ लीजिए जैसे नदी, गंगा नदी, इसमें स्नान करने और पीने से पुण्य होता है, देखने से भी पुण्य होता है, लेकिन कब तक, जब तक नदी अपने किनारों के भीतर मर्यादा में बहती है, लेकिन नदी में बाढ़ आ जाए तो वो संहारक बन जाती है, चारों तरफ मृत्यु का तांडव करती है और दूर भागना ही समझदारी है। इसी तरीके से क्रोध काम बात पित्त कफ ये सब एक नदी की तरह एक लिमिटेशन के भीतर किनारों में बहती है, तो ये उपयोगी है, जरूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण से कहूं, काम ना हो तो सृष्टि का सृजन कैसे हो, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, कोई विवाह नहीं करेगा, गृहस्थ जीवन कहां से आएगा, और क्रोध ना हो तो कोई काम समय पर पूरा ही नहीं होगा, यदि थोड़ा क्रोध नहीं आएगा बुरा नहीं लगेगा और फिर अन्याय का विरोध भी नहीं होगा, लोभ नहीं होगा तो फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की ब्याह शादी के लिए पैसे कहां से आएंगे, मोह नहीं हो तो माता अपने बच्चे को कैसे बड़ा करेगी, मोह ही तो है कि हर परिस्थिति में वो उसके लिए काम करती है, और अहंकार ना हो, स्वाभिमान ना हो तो हम अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर कैसे गौरव करेंगे। तो ये सब हमें चाहिए, किंतु नदी जैसे किनारों में बहती हुई सुंदर लगती है, पवित्र करती है, ये सब एक लिमिट के भीतर होने चाहिए, इनकी लिमिट खत्म हुई। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो बहन आयुर्वेद ठीक रहा? जी सर जी, मतलब कम समय में बहुत सारी चीजें हमें पता चली।
और बहुत सरलता के साथ मैंने रखने की कोशिश की है, व्यवहारिक रूप से बताने की कोशिश की है जी। और उसके स्टार्टिंग से लेकर जैसे योग दर्शन मेरा विषय है वैसे ही आयुर्वेद भी मेरा विषय बन गया है, तो आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। और कल के लिए मैंने एक चीज पूछना चाह रहा था कि यदि हटियो कोई और व्यक्ति ले रहे हैं तो मैं कल थोड़ा थोड़ा सा कर्मयोग भक्ति योग और ज्ञान योग पर प्रकाश डाल लूं? हाँ सर वो भी ठीक रहेगा क्योंकि सुधा मैडम है, सुधा राणा मैडम, वो कवर करने वाले हैं हट योग प्रदीपिका, तो वो रिपीटेशन हो जाएगा। सुधा राणा जी यदि हट योग प्रदीपिका करा रही हैं हाँ। तो दो एक ही उसको सब्जेक्ट को करने की बजाय हम लोग थोड़ा सा ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग और हट योग इसमें बात कर लेंगे, हट योग प्रदीपिका वो करा देंगे। जी 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 सर वैसा ठीक रहेगा, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ ओके ठीक है ठीक है। और बताइए। थैंक यू सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? ठीक है सर, शायद कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम शांति क्वेश्चन वैसे कोशिश करता हूँ जी, मैं पढ़ाता ही प्रश्न के रूप में हूँ ताकि प्रश्न उठे उसका उत्तर देता रहता हूँ, ताकि क्योंकि जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं वो ही इनके में उठेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी सा आपका मन एक जैसा, हम एक जैसे सोचते हैं, सब सिमिलर होते हैं, ये शास्त्र भी कहता है और ये सच भी है, तो मैं पढ़ाता ही शास्त्र के आधार क्वेश्चन के आंसर देता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, जो क्वेश्चन उठ रहा है उसका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। चलिए सीधे होकर बैठे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो अहम कामये राज्यम, न स्वर्ग सुखानि च, कामये अहम दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्। स्वामी जी महाराज ने एक पुस्तक और लिखी आचार्य बालकृष्ण जी ने, जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा सार, जिसमें औषधियों का ही वर्णन है, और उसके बैक पृष्ठ पर ये श्लोक लिखा है जो मैंने अभी बोला कि एक आयुर्वेदाचार्य की सोच क्या होनी चाहिए। न तो अहम कामये राज्यम, एक आयुर्वेद का चिकित्सक कहता है कि मुझे ये कोई इच्छा नहीं है कि मैं राजा बनूं, न स्वर्ग सुखानिच्छ, न मैं स्वर्ग में जाकर सुखी होना चाहता हूं, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? कामये अहम दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम, हे परमात्मा मुझे ऐसी लगन और बुद्धि दो कि मैं आयुर्वेद का प्रयोग करके जो प्राणी लोग रोगों से दुखी हैं उनके दुखों को दूर कर सकूं, बस मेरी अभिलाषा इतनी ही है। तो आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सब लोग बड़े प्यार के आनंद के साथ में जुड़ते हैं और आप लोग आनंद लेते हैं और मैं आपका मनोरंजन कर पा रहा हूं, इसके लिए परमात्मा का ईश्वर का धन्यवाद और प्रीति बहन का फिर पुनः धन्यवाद, आप लोगों के आपकी वजह से आप सबसे बात करने का अवसर मिला। ओम थैंक यू सर, थैंक यू सर, दशहरे की शुभकामनाएं सर आपको, दशहरे की शुभकामनाएं सर, दशहरे की शुभकामनाएं, यस थैंक यू, हैप्पी दशहरा सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सबको दशहरे की धन्यवाद, थैंक यू मैम, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स प्लीज मीटिंग लीव मत करिए, दो मिनट रुक जाइए, मुझे कुछ आज का टास्क आप लोगों को बताना है, जस्ट मिनट आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।